मैं तो बहुत बड़ा वाला बेवकूफ बन चुका हूँ। मैं पता है मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 400 कम कर दिए, मैं तो प्राउड फील कर रहा हूँ। न्यू बो से आना है ना, तो ऐप है वहाँ से कर लेना, इलेक्ट्रिक बस है। देहरादून है ना, देहरादून स्नेह के रेफरेंस से आप आएंगे तो आपको 10% खाने में और 20% रूम में डिस्काउंट मिलेगा। Hey guys, a very very welcome back to my channel. आप सभी का welcome है। तो आज अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं, जितने भी फेमस प्लेसेस है ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया आप सबने देखा एंड ब्लॉग में, एंड अभी जस्ट कैब में बैठ गया हूँ और समय हो रहे हैं 1 बजने वाले हैं और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं कश्मीरी गेट। ठीक है, कश्मीरी गेट से देहरादून के लिए एसी बस पकड़ेंगे और वहाँ से 5 to 7 hours लगेंगे देहरादून पहुँचने में। उसके बाद देहरादून चलेंगे, वहाँ पे घूमेंगे। देहरादून का ट्रिप जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो ब्लॉग पे बने रहे, काफी अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो टिकट वॉल्वो बस का देहरादून का ले चुका हूँ। सो फाइनली गाइस टिकट हो गया है, अब बस में बैठना है। 1:25 में बस है, 6 घंटे का समय लगेगा देहरादून पहुँचने का। वॉल्वो बस है तो ये रही मेरी देहरादून की बस, दिल्ली टू देहरादून। आप देख सकते हैं न्यूको स्काईलाइन। एंड ऐसे कहते तो है वॉल्वो एसी है, बट वॉल्वो कम्प्लीटली वॉल्वो है या नहीं है तो बाद में ही पता चलेगा। सो फाइनली बस में बैठ गया हूँ दिल्ली टू देहरादून के लिए। टिकट का प्राइस हम लोग का ईच पर्सन का 800 लगा और इस समय हो रहा है 1:40। अब देखते कितने बजे पहुँचते हैं। प्राइस अभी मैं बस के नीचे उतर गया हूँ क्योंकि अभी बस स्टार्ट नहीं है और जब तक बस स्टार्ट नहीं होगी एसी ऑन नहीं रहेगा एंड एसी बस में ग्लासेस खुलते नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो मैं आ गया नीचे बसेस में, खाने के लिए स्नैक्स ले लिया हूँ मैं, कुरकुरे अनलेस। अब बस टाइम हो ही गया, बस स्टार्ट हो चुकी है एंड वे टू देहरादून के लिए हम लोग निकल चुके हैं बस में। और अब कानों में ईयरफोन डाले हैं, गाने सुनेंगे और रिलैक्स होकर सोते हैं। अभी मुजफ्फरनगर आई थी पहुँचा है बस और यहाँ पे रुकी हुई है होटल में और यहाँ पे आधे घंटे रुकी। क्या जगह का क्या नाम है? मुजफ्फरनगर है। ये देखो आप बीकानोर फूड कोर्ट। तो हमारी जो बस है यहाँ पे रुकी हुई है न्यू गो। आओ कुछ ट्राई करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाने को पसंद आता है तो। रेस्टोरेंट में रुकी है बसेस, चाउमीन खा रहे हैं। तो आप देख सकते हो रेस्टोरेंट के बगल में बहुत सारे बहुत कुछ जो चटपटे चीज़ है ना वो मिल रहे हैं, जैसे इमली है, बर्फानी, मैंगो डिलाइट वगैरह है। तो मैं अभी फाइनली ये ले रहा हूँ, बस में खाते हुए जाऊंगा, मज़ा आएगा। वेज चाउमीन खा लिया हूँ एंड अभी बैठ गया होटल के जस्ट किनारे में क्योंकि अभी बस ड्राइवर से पूछा तो बोले 20-25 मिनट और लगेगा। तो आप सभी को बता दूँ कि जब दिल्ली से आप आओगे ना तो दिल्ली में कश्मीरी गेट वहाँ पे आपको बस मिल जाएगा, वॉल्वो बस, आप एसी नॉन एसी दोनों मिल जाएगा देहरादून के लिए। तो वहाँ पे आप जाना, तो आपको क्या करना है कि कश्मीरी गेट जाना, किसी से पूछना है मुझे वॉल्वो बस से जाना है देहरादून, वहाँ पर जाना जो बस के जो ऑफिस रहता है वहाँ पे जाना एंड टिकट वो आपको 1000 रुपये बोलेंगे। आप बोलना मैं स्टूडेंट हूँ सर, कम दो जन है या कुछ कम कर दो, कम कर दो। मेरे को भी शुरू में 1000 बोला, मतलब 2000, फिर हम दोनों ने, फिर 900 में आया, फिर हम दोनों ने 800 में लेके आया। इमली चॉकलेट लिया हूँ ऑरेंज क्योंकि बसेस में खाते जाऊँगा एंड दो भाई लिया है, कौन सा लिया क्या लिया देख, स्नैक्स लिया। बस देखो आप लगी हुई है, ऐसा फील हो रहा है ना, मैं कई बार अपने अंकल के बारात गया हूँ, इतने सारे अंकल्स हैं मेरे, सो ऐसा फील है, ऐसा वाइब आ रहा है ना अभी। जैसे अंकल के शादी में जब जाता हूँ तो बीच में बस स्टॉप होती है, होटल में सब उतरते हैं, बसेस से खाना खाते हैं, इसी समय में वही वाला वाइब आ रहा है एकदम। कुछ और भी ले रहे हो क्या? मैं गाइस आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूगो इलेक्ट्रिक बस जो है वो चलती है दिल्ली से देहरादून के लिए। एंड मैं बिल्कुल बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ बन चुका हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये इलेक्ट्रिक बस है ना, बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे इस होटल में आप देख सकते हो 1 घंटे के लिए रुकी हुई है, 1 घंटा होने ही वाला है और बस अभी देख सकते हो चार्ज, बस जो है अभी चार्ज हो रही है एंड मुझे पता नहीं चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा। एंड मैं बता देता हूँ कि जो भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं सभी को मैं यहाँ पर अलर्ट करना चाहूँगा कि इस बस में अगर बैठोगे तो अपने रिस्क पर बैठना क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस लिए जाते हैं अजेंट जो भी लेते हैं वो मनमाना लेते हैं। जैसे हमसे शुरू में 1000 बोला गया, 800 लिया गया, किसी से 550 लिया गया है, किसी से 500 लिया गया है, किसी से 1200 भी ले लिया है ना। तो इस तरह से रेट लोग लगाता है। मैं आप सभी को अलर्ट कर देना चाहता हूँ, जितने भी अगर कभी भी ट्रैवल करोगे दिल्ली टू देहरादून अगर इलेक्ट्रिक बस है
तो 500 रुपये से ज़्यादा मत देना एकदम। मैं तो बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ बन चुका हूँ, नो डाउट। एंड मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, अफसोस लग रहा है। तो मेरे बगल में जो भाई साहब है, इनसे 1100 लिया गया है, 1100। मैं पता, मैं सोच रहा कि मेरे को 400 कम कर दिए, मैं तो प्राउड फील कर रहा हूँ। यहाँ आगे पता चलता है कि 500 वाले टिकट में बैठे हो, 800 रुपया दे। मत गलती मत करना यार, न्यू गो से आना है ना तो ऐप है, वहाँ से कर लेना, इलेक्ट्रिक बस है। बेवकूफ बन गए हम, थर्ड पार्टीज के चक्कर में नहीं फंसना है क्या? अभी मिल गया है एक टोटो जिसमें से 100 रुपीज चार्ज लगेंगे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। देहरादून को पहुंच चुके हैं, टोटो पर बैठे हुए, आप सबने देखा। देहरादून हम लोग बस से आया, तो बस वाला जो है ISBT बस स्टैंड में रुका, वहां से फिर हम लोग टोटो पकड़ के रेलवे बस स्टैंड देहरादून में जा रहे हैं। तो वहां पे डिसाइड करते हैं क्या करना है। फाइनली आप देख सकते हो देहरादून है ना, देहरादून रेलवे स्टेशन में पहुंच गया हूं एंड टोटो से आया हूं। हेलो, यहीं पे थोड़ा दूर में रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो रेलवे स्टेशन देहरादून। एंड जस्ट इसी के बगल में है ना होटल श्री राम, AC नॉन AC रूम्स एंड फूड्स का भी रेस्टोरेंट भी है। तो हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं अभी। अभी हम लोग चिकन ऑर्डर किए हैं, रोटी है उसके साथ, चिकन रोटी खाते हैं। जैसे भूख लगी चिकन रोटी खाते हैं, AC होटल में हम लोग रुक नहीं रहे। होटल श्री राम, AC नॉन AC रूम्स, JV फूड्स। तो अभी मैं इनके होटल में आया हूँ और फाइनली रात का समय था, दिल्ली से देहरादून आया हूँ एंड फाइनली रूम्स मिल गया है इन्हीं के होटल में। और अभी अभी जस्ट खाना खाया हूँ एंड खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, चिकन और रोटी खाया। आइए जानते हैं अंकल के बारे में, अंकल का क्या नाम है और कुछ कहना चाहते हैं वो। थैंक यू स्नेहिल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड अप्रिशिएटिंग माय फूड एंड ऑल। आप थोड़ा लेट आए वरना इससे भी अच्छी आपको क्राउड मिलती मेरे पास और खाना बहुत अच्छा मिलता है। कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं और आपने इतने कम समय में इतनी तरक्की किया है। अभी नहीं किया, आपने परिचय दिया, अपना मुझे अच्छा लगा करके, दैट्स व्हाई मैंने अपना इंटरव्यू देने की कोशिश किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ, मेरे छोटे भाई का होटल है ये। अच्छा, मनोज जी है, उनका बेटा मेरे पास खड़ा है, उसका एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली। अच्छा, मैं प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में, पढ़ाता हूँ, मेरे शौक बहुत अलग है, मैं खेलता भी हूँ, गाता भी हूँ और आपने गाने भी सुने करके जी जी। तो खाली ये है कि आपने मेरा इतनी तारीफ कर दिया, तो जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए खाने में 10% डिस्काउंट जो भी खाएंगे, और रहना का होटल भी मेरा होटल श्रीराम के नाम से है और मेरा होटल स्टेशन के सामने है बिल्कुल। जी, ट्रेन से उतरिए, वो मैंने लिया अभी, मसूरी स्टैंड के सामने उतरेंगे। कोई किसी भी किसी किस्म के जो कहते हैं कमिश्नर एजेंट, दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, दलाल, उनके चक्कर में ना पड़े, पैदल आ जाए, फोन भी ना करें किसी को। हमारे होटल में हमेशा कमरे मिलते हैं और 700, 800, 500, 600 में अच्छे कमरे मिलते हैं। खाना भी 60-70-100 रुपए का, 200 रुपए का बढ़िया मिलता है। कभी शिकायत भी हो तो आपको, लेकिन स्नेह के रेफरेंस से आप आएंगे तो आपको 10% खाने में और 20% रूम में डिस्काउंट मिलेगा। वाओ। तो गाइस फाइनली आप सबने देखा, अंकल ने कह दिया है कि जो भी मेरे चैनल्स को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, वो देख के अगर आओगे देहरादून आओगे तो रेलवे स्टेशन के बगल में इनका होटल है, यहीं आ जाना, सस्ते में रूम मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एंड लिस्ट भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। इसके अलावा गाना, डांस, सब कुछ है मेरे। गाना तो मैं भी गाता हूं। तो अभी तो नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग, इसके अलावा बाइक है हमारे पास, रेंटल बाइक्स हैं, सभी कुछ है। तो रेंटल बाइक्स जो है वो हम लोग सुबह लेंगे और निकलेंगे यहाँ से मसूरी के लिए, देखते हैं क्या होता है, फिलहाल वॉक करेंगे। तो फाइनली ये रहा रूम, आप देख सकते हो, एंड एक दिन का चार्ज लग रहे हैं 500 रुपीज़ और हम लोगों को यहाँ 2 दिन स्टे करना है। अब इतने कम में क्या मिलते हैं, देहरादून में हूँ है ना, फैन वगैरह सब कुछ है। फाइनली रूम में पहुँच गए, रूम में बहुत ज़्यादा सुबह से थके हुए क्योंकि 2 बजे बस में बैठे थे, 10 बजे पहुँचाया देहरादून, होटल भी मिल गया, सब कुछ खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया है। एंड सुबह में बाइक लेना है या देखता हूँ, हिमालयन लेना है, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, उसके बाद मसूरी चलना है, इंजॉय करना, बाइक राइडिंग करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ब्लॉग पे बने रहे, एंड पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।